Hello friends, today we are going to start probability distribution. As we have seen in our previous classes, probability. We all know that how to find probability. For finding probability, first we have to do experiment, randomly experiment. After doing experiment, we will get a sample space and then we will find probability for any event from the sample space. But here we will do probability distribution, means what? Probability ka distribution. So before we start here probability distribution, first we will see here random variables and types of random variable. So see what is random variable here. Random variable is a function which assign numerical value to each possible outcomes and it is denoted by capital letter X. तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल बच्चों उसको किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल लेटर एक्स से दिखा रहे हैं. बट ये होता क्या है, ये एक फंक्शन है. कैसा फंक्शन है, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करता है. किसके लिए असाइन करता है, ईच पॉसिबिलिटी आउटकम के लिए. हर एक पॉसिबिलिटी आउटकम के लिए जो नंबर असाइन करता है वो क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल. क्लियर है? चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. Two unbiased coins are tossed simultaneously. यहाँ पे दो coin toss हो रहा है, simultaneously हो रहा है यहाँ पे. जैसा कि बच्चों में मालूम है कि अगर दो coin toss होता है तो हमारे पास sample space क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे HH, HT, TH and TT. मतलब यहाँ पे हमारे पास number of sample space कितना बन रहा है, 4 बन रहा है. ठीक है, so therefore what number of sample space is a 4. बराबर है. दो कॉइन को हम साइमल्टेनियस टॉस कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया एच एच एस टी टी एच एन टी टी. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, रैंडम वेरिएबल बताना है. क्या बताना है हमें यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल, जिसको हम किससे दिखाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स से दिखाने वाले. तो यहाँ पे हमारे पास जैसे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है रैंडम वेरिएबल एक्स, ये डिफाइन करने बोल रहा है. क्या डिफाइन करने बोल रहा है, डिफाइन इज एक्स. क्या है यहाँ पे एक्स, नंबर ऑफ टेल्स ऑप्टेन इन अ टॉस. नंबर ऑफ टेल्स ऑप्टेन इन अ टॉस, मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जब हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टेल आने के क्या चांसेस है, नंबर ऑफ टेल आने के क्या चांसेस है. जैसे देखिए, हाँ अगर हम सैंपल स्पेस के पास जाते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम दो कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या मिल गया, एच एच मिल गया. तो इसमें टेल कितने हैं बच्चों, कुछ भी नहीं है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास टेल क्या जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा. क्या होगा, टेल जीरो होगा. ठीक है, उसी के सेम हियर. अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या चांसेस आ रहे हैं बच्चों, एच एंड टी आ रहे हैं. ठीक है, एक हेड दूसरा टेल आने के चांसेस बन रहे हैं. तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टेल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टेल कितने बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टेल क्या है, 1 है. बराबर, थर्ड में क्या हमारे पास टी एच दिया हुआ है. अगेन दो कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या मिल गया, टी एच मिल रहा है यहाँ पे. तो अभी देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ टेल कितने हैं बच्चों, 1 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. बराबर, सेम लास्ट वाले में हमारे पास जब हमने दो कॉइन को टॉस किया है तो हमारे पास टेल कितने हैं, 1 2 दो है. तो यहाँ पे हमारे पास टेल कितने होंगे, 2 हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि जो एक्स क्या है, डिफाइन करना है नंबर ऑफ टेल्स ऑप्टेन इन अ टॉस. ऑप्टेन इन अ टॉस, जब हमने कॉइन को टॉस किया हुआ था तो हमारे पास नंबर ऑफ टेल आने के क्या क्या चांसेस है वो हमें बताना था. तो फर्स्ट टाइम हमारे पास टेल्स कुछ नहीं था, 0. सेकंड टाइम 1 टेल था तो 1. थर्ड टाइम भी 1 था तो यहाँ पे 1. और फोर्थ टाइम हमारे पास 2 के दोनों टेल थे तो हमने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया. ठीक है, अब ये देखिए नंबर क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमें 0 1 1 2 0 1 1 2, यही क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया. ये क्या जाएगा बच्चों, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच पॉसिबल आउटकम. जो भी पॉसिबल आउटकम के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल असाइन होता है वही हमारा क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है. ठीक है, बस 1 यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है तो हमारा लिखने का काम यहाँ पे सिर्फ एक ही बार होगा. कितनी बार होगा बच्चों, यहाँ पे एक ही बार लिखना रहेगा. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो दैट इज एक्स इक्वल टू व्हाट ईयर, 0 1 2. ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल. अगर बच्चों यहाँ पे हमारे पास पूछता है रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे हम रेंज क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज फ्रॉम 0 to 2. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहे हैं. यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. अब यहाँ पे तीन कॉइन टॉस हो रहा है. ठीक है, अब अगर 3 कॉइन टॉस होता है तो बच्चों हमारे पास सैंपल स्पेस क्या मिलता है यहाँ पे, व्हाट सैंपल स्पेस हियर, एच 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 एस टी एच टी एच एस टी टी.
टी 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 एच टी एस टी टी एच एच, ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, तीन कॉइन टॉस किया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है क्या, रैंडम वेरिएबल, जिसको हम यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बट रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट तो करना है, बट किसके लिए करना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोलता है, डिफाइन एक्स, क्या डिफाइन करना है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, नंबर ऑफ टेल्स की बात किया था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चों आठ पॉसिबिलिटी आ रही है यहाँ पे, तो ठीक है, आठ पॉसिबिलिटी में से हमारे पास नंबर ऑफ हेड आने के क्या चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ, फर्स्ट टाइम अगर मैंने किया तो मेरे पास कितने हेड मिल रहे हैं, एच एच एच, बोले तो यहाँ पे तीन की तीन हेड मिल रहे हैं। चलिए फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया तो यहाँ पे मुझे कितने हेड मिल रहे हैं, तीन हेड मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम में क्या मिल रहा है, एच एच टी मिल रहा है, हमें हेड के लिए काम करना है, इन तीन में से हेड कितने मेरे पास, दो है, ठीक है, दो आने के चांसेस है यहाँ पे। देन एच टी एच कितने हेड है यहाँ पे बच्चों, अगेन दो है, यहाँ पे हम दो लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे एच टी टी, अब इसमें देखिए कितने हेड बच्चों, यहाँ पे एक ही हेड आ रहा है, यहाँ पे हम वन लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर टी टी टी, इसमें कितने हेड है बच्चों, एक भी नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, जीरो। यहाँ पे टी टी एच, अब टी टी एच में कितने हेड है, एक ही है, वापस हम वन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए टी एच टी, टी एच टी में कितने हेड है, वन, तो वापस यहाँ पे हम वन बोलने वाले हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टी एच एच, टी एच एच में कितने हेड है बच्चों, यहाँ पे दो, यहाँ पे हम टू बोलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या नंबर मिल रहे हैं आठों पॉसिबिलिटी के लिए, थ्री टू टू वन जीरो वन वन टू, ठीक है। दिस इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या जाएगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगा। बट जैसा हमें मालूम है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आइसोलेटेड वैल्यू होता है, मींस व्हाट, यहाँ पे जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम रिपीट नहीं करना है, उसको हमें सिर्फ वन टाइम में लेके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर मिलने के चांसेस अपने पास, जीरो है, वन है, टू है एंड थ्री है, सो जीरो वन टू थ्री, ये हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। एक्स का वैल्यू मीन्स व्हाट, दिस इज द रैंडम वेरिएबल विच व्हाट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच पॉसिबिलिटी आउटकम्स। तो यहाँ पे फिर हम एक्स को क्या बोल देंगे बच्चों, दैट इज एक्स इक्वल टू व्हाट, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द रेंज हियर, जीरो से थ्री, सो दिस इज व्हाट रैंडम वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, देर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, फर्स्ट इज व्हाट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकेंड इज व्हाट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। So start with first here, see what is discrete random variable. See what is discrete random variable, a random variable is a discrete random variable if its possible value from a countable set which may be finite or infinite, ठीक है, सिंपल है बच्चों। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x मतलब क्या हो गया, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, कब होगा, जब उसका पॉसिबल वैल्यू फॉर्म अ काउंटेबल सेट विच मे बी एस फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब यहां पे बोलने का मतलब ये है कि x जो है आपका रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कब होगा, जब उसका जो वैल्यू हमको मिल रहा था, जो वैल्यू हमको मिल रहा था मींस व्हाट, x का वैल्यू वो क्या होगा, एक काउंटेबल सेट होगा, काउंटेबल सेट का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर के फॉर्म में होगा, विच मे बी व्हाट फाइनाइट और इनफाइनाइट, वो काउंटिंग नंबर फाइनाइट होने दो या फिर इनफाइनाइट होने दो, बट क्या होना चाहिए, काउंटेबल सेट मतलब काउंटिंग नंबर, क्या होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, क्लियर है। लेट्स सी एग्जांपल, जिस एग्जांपल की बात करता हूं मैं यहां पे, फर्स्ट एग्जांपल देखें यहां पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और वी कैन से स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। अगर किसी क्लास में अगर बच्चे की बात करता हूं यहां पे कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपकी क्लास के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से बोलोगे, सम और सम क्लास आर सेइंग व्हाट, सर 40 बच्चे, कुछ लोग बोलेंगे 50, 55, 60, 65, लाइक दैट एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जांपल दोगे, मतलब ये नंबर क्या है, दिस आर द व्हाट काउंटिंग नंबर, दिस आर द व्हाट काउंटिंग नंबर है, 40 है तो काउंटिंग नंबर, 50 इज अ काउंटिंग नंबर, 65 इज अ काउंटिंग नंबर, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो यहाँ पे जो काउंटेबल सेट का फॉर्म बनता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। आप क्लास में ये तो नहीं बोलोगे ना कि हमारे क्लास में 45.2 बच्चे हैं, 40.4 बच्चे हैं, इस तरीके से तो हम बात नहीं कर सकते वहां पे, हम किस तरीके से बात करेंगे, काउंटिंग नंबर के हिसाब से बात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज व्हाट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अब स्काई में स्टार कितने हैं वो काउंट करना है, ठीक है। वो काउंट किए तो क्या मिलेगा आपको, काउंटिंग नंबर भी मिलेगा, बट वहां पे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, है कि नहीं,
बराबर है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन बोलता है वो क्या है, काउंटेबल नंबर ही होगा, बट वो फाइनाइट भी हो सकता है या फिर वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज व्हाट आल्सो अ एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच इज व्हाट इनफाइनाइट। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ पे भी थर्ड क्या बोलता है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनफॉल इन अ सिटी, किसी सिटी में नंबर ऑफ डे बताना है किसका, रेनफॉल के लिए। बराबर, ये भी हमारा काउंटेबल नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय अ डीलर, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय अ डीलर। अब डीलर के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार सोल्ड किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फाइव में क्या दिखा रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट मेड बाय एन इन्वेस्टर इन अ डे, प्रॉफिट मेड बाय एन इन्वेस्टर इन अ डे, ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो बता रहा है प्रॉफिट मेड बाय इन्वेस्टर इन अ डे, एक दिन में प्रॉफिट क्या हो सकता है बाय इन्वेस्टर के द्वारा पे। ठीक है, क्लियर है। बट प्रॉफिट कैसा है बच्चों, यहाँ पे काउंटिंग नंबर, इट इज नॉट कंपलसरी काउंटिंग नंबर ही होगा। जैसे मैं बोलूँ कि चलो अगर मैं बोलता हूँ मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो आप बोलोगे सर काउंटेबल नंबर है। बराबर है, ठीक है, चले। बट समटाइम इट इज नॉट कंपलसरी कि वो मुझे काउंटिंग नंबर ही मिले, हो सकता है मुझे 55.25 रुपीज मिल रहा हो। बराबर है, तो यहाँ पे 55.25 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। बराबर, एग्जाम्पल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी हियर, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज फॉर्म एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स वॉट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वाले में एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ था। बराबर है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये एक ऐसा वेरिएबल है जहां पे जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो क्या फॉर्म करता है, एक इंटरवल फॉर्म करता है, किसका, रियल नंबर का। बराबर है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर बोलो यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइट ऑफ अ पर्सन इन अ सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ पर्सन इन अ सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर मतलब क्या बच्चों, देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें पर्सन का हाइट बताना है, तो पर्सन की हाइट क्या हो सकती है, हो सकता है 140.20 सेंटीमीटर हो, 140.90 सेंटीमीटर हो, 155 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 155.30 भी हो सकता है। मतलब जहां पे हमारा क्या हो रहा है, डेसिमल का फॉर्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, डेसिमल का फॉर्म मिल रहा है, तो इसको हम काउंटिंग नंबर तो नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर काउंटिंग नंबर होता है तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, परफेक्ट काउंटिंग नंबर होना ही चाहिए। बट अगर यहाँ पे कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है बच्चों हमारा, वो काउंटिंग के फॉर्म में तो हो सकता है बट साथ साथ में वो डेसिमल के फॉर्म में भी होगा। मतलब यहाँ पे हमारा मेजरमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा मेजरमेंट हो रहा है, तो जहां पे भी मेजरमेंट होगा वहां पे क्या होगा अपना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल, वेट ऑफ बैग इन अ केजी। अब वेट बताना है किसी बैग का, तो उस जरूरी नहीं है वहाँ पे कि काउंटिंग नंबर भी होगा, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, 1.2 kg, 10.9 kg, 1.3535 kg, लाइक दैट। तो इस तरीके के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चे हमारे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन अ डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज वॉट स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन अ किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे स्पीड बताना है यहाँ पे। लास्ट वन इज अबाउट ईयर, स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैट्समैन इन हिज क्रिकेट कैरियर। अब यहाँ पे बैट्समैन का हमें क्या बताना है, स्ट्राइक रेट बताना है। जैसा कि आपको मालूम है स्ट्राइक रेट नॉट कंपलसरी कि वो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। बराबर है ना, तो स्ट्राइक रेट किसमें सकता है बच्चों, यहाँ पे डेसिमल में है। बराबर है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, कि डिस्क्रीट जो है हमारा एक काउंटिंग नंबर ही देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको काउंटिंग नंबर ही देगा। बट कंटिन्यूअस में क्या है, जो एक फॉर्म बताता है किसका, इंटरवल का, रियल नंबर का, जो हमें डेसिमल में दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे मेजरमेंट होगा, तो वो क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। नाउ वी विल सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से पीडी, पीडी इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हियर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल और इक्वेशन और ऑर्डर्ड पेयर विच में रिलेट्स एवरी आउटकम्स विथ इट्स अ प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पे पी डी क्या है बच्चों, पी डी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थीटा हो सकता है, एक टेबल हो सकता है, या फिर वो इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है, या फिर वो ऑर्डर पेयर हो सकता है, ठीक है। बट वो किसको रिलेट करेगा, रिलेट टू व्हाट, एवरी आउटकम्स विथ इट्स अ प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी आउटकम आता है उस हर एक आउटकम के लिए, हर एक पॉसिबिलिटी आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगा उसी को हमें क्या करना है, टेबल के फॉर्म में दिखाना है, या फिर इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है, या फिर वो ऑर्डर पेयर का फॉर्म हो सकता है। मीन्स वॉट, एवरी पॉसिबिलिटी आउटकम का प्रोबेबिलिटी जो भी होगा उसको टेबल या इक्वेशन या ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेट करके दिखाना है। दिस इज द वॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसका फाइंड करते हैं, रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल मीन्स वॉट, एक्स का फाइंड करते हैं। अब वो एक्स डिस्क्रीट है या फिर वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बराबर है, वो तो डिपेंड करता है हमारा गिवन क्वेश्चन पे। क्लियर? नाउ लेट्स एग्जांपल हियर। जैसे देखिए एग्जांपल बात करते अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि टू अनबाइस कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए, टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे देखिए हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हमें मालूम है सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस हियर, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब अगर ये सैंपल स्पेस हो गया बच्चों, तुम्हारे पास एन ऑफ सैंपल, एन ऑफ एच क्या हो जाएगा बच्चों, फोर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, एन ऑफ एच इज अ फोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड तो करना है, बट किसके लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए, एक्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। बट वो एक्स है क्या, अभी तक हमें नहीं मालूम है। चलो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ मेरे पास एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन ईच टॉस, इन ईच टॉस मतलब नंबर ऑफ हेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन ईच टॉस, तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड क्या है वो हमें दिखाना है यहाँ पे हर एक टॉस के टाइम पे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो टॉस किया था दो कॉइन, तो मुझे हेड कितने मिल गए थे बच्चों, यहाँ पे टू मिले हुए हैं, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या मिल रहा है बच्चों, टू वन वन एंड ईयर जीरो, तो मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो वन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एक्स इज वॉट, टू वन जीरो बोलो या फिर जीरो वन टू बोलो, बट वी विल ट्राई टू राइट इन वॉट, असेंडिंग फॉर्म, सो जीरो से लेकर टू तक। यहाँ पे हमारे पास रेंज क्या बन रहा है बच्चों, इसको हम रेंज ही बोल सकते हैं, जीरो से टू तक हमारा ये रेंज हो जाएगा, तो जीरो वन टू इज अ रेंज, ठीक है। अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या था, दो कॉइन को टॉस करना था, उसके हिसाब से हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे, अभी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल हियर, नंबर ऑफ हेड्स था, बराबर है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो वन टू मिल गई है, ठीक है। तो एक्स की तीन वैल्यू मिल रही है, जीरो वन टू, इन तीनों के लिए हमें क्या करना, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म बनाना है, मतलब यहाँ पे हम टेबल का फॉर्म बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, क्या करना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बना के दिखाना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, एक्स, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, हमारे पास एक्स क्या है, जीरो वन टू दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स की तीनों वैल्यू के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। लेट्स सी हियर, जैसे देखिए ये हमारा टेबल हो गया बच्चों, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इज ए इवेंट, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल हो गया हमारा, यहाँ पे एक्स के लिए फाइंड करना है। तो एक्स हमारे पास क्या बच्चों, जीरो है, वन है, टू दिया हुआ है, बराबर है। उसके नीचे वाले हमने रो में क्या बोला, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया। तो हमारे पास तीन वैल्यू है, जीरो है, वन है और टू दिया हुआ है, बराबर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी बनानी है यहाँ पे। तो ये देखना बच्चों यहाँ पे कि जीरो के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब जीरो का मतलब हो गया क्या, ये जीरो कहाँ से है, नंबर ऑफ हेड के लिए है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सैंपल स्पेस के पास जाएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ हेड जीरो कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, मतलब ये कितनी बार आया, एक ही बार आया है, मतलब ऐसे कितनी बार आया है जहां पे हमें जीरो मिलने का चांसेस है। यहाँ पे तो टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे जीरो है, मतलब जीरो एक ही बार मिलने के चांसेस है, बराबर। और कितने में से, इन चारों में से, बराबर है, कितने में से, इन चारों में से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रॉबर्टी हमें बच्चों, जीरो जो मिलने के चांसेस थे वो एक ही बार थे, और कितने में से थे बच्चों, आउट ऑफ फोर थे। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, उसको वन बाई फोर, वन बाई फोर मीन्स वॉट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हम जीरो के लिए काम कर रहे हैं, जीरो कितनी बार आया यहाँ पे, जीरो यहाँ पे तो बोलोगे तो आया ही नहीं सर, बट हम जीरो किसका बोल रहे हैं, नंबर ऑफ हेड का बोल रहे हैं। तो ऐसा कितना यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी आउटकम है कि जहाँ पे हेड आया ही ना हो,
कितनी बार ऐसा है यहाँ पे, एक बार है यहाँ पे, तो ठीक है, तो एक बार और कित आउट ऑफ व्हाट, फोर ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1/4 बोल देंगे। ओके अब देखिए नेक्स्ट, वन बोल रहे हैं यहाँ पे, अब वन नंबर ऑफ हेड, क्या वन वन नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया हुआ है, इसमें टू था, इसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें जीरो है, तो हमें वन के लिए काम करना है, तो इसमें वन है और इसमें वन है, मतलब ये वन यहाँ पे भी आ रहा है और ये वन यहाँ पे भी आ रहा है, तो वन कितनी बार आया, दो बार आया है, कितनी बार आया, टू टाइम्स आउट ऑफ फोर, वन कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है, हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड वन जो है वो कितनी बार आ रहा है बच्चों यहाँ पे, दो बार आ रहा है, कितने में से, आउट ऑफ फोर में से, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू अपॉन फोर बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, 2/4, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, 1/2 भी बोल सकता हूँ मैं, बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, टू नंबर ऑफ हेड क्या है यहाँ पे, टू, तो नंबर ऑफ हेड जो है दो कितनी बार आया हुआ है, अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो नंबर ऑफ हेड दोनों टाइम कितनी बार आया है, एक ही बार आया है यहाँ पे आउट ऑफ फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये 1/4 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जो नंबर यहाँ पे एक्स का मिलता है वो नंबर यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, उस नंबर को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, किसकी, रैंडम वेरिएबल एक्स की, तो यहाँ पे जो भी हो गया ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।